हेलो एवरीवन, वेलकम टू यून एकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है हेगल। आज हम हेगल के बारे में पढ़ने जाएंगे और आज हमें हेगल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है और बहुत ही शानदार तरीके से हम अपने इस लेक्चर को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं सबका फिर से एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुनव्वर परवीन जी, गुड इवनिंग। निशा जी, सर कहाँ हो आप? आ गया मैं। मीना कुमारी जी, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ सर। आ गया हूँ भाई। पूजा जी, मैं भी आ गया हूँ, गुड इवनिंग। अनिता जी, गुड इवनिंग। पूजा जी, अर्शिया तलत जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चले गैस, अब आप लोग का इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ, आपके सैफ सर आपके सामने आ चुके हैं और उसी टॉपिक के साथ आज हम यहाँ पे गैस कंटिन्यू करने वाले हैं अपने आज से इस लेक्चर को। तो आज हम यहाँ पे हेगल्स के बारे में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सब लोग क्या कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो अनअकैडमी अपना गोल सेलेक्ट करिएगा वहां पे। तो एनटीए यूजीसी नेट आपका गोल है तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान क्या करती है, प्रोवाइड कराती है गैस। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कम से कम आप 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा एंड यूज माय रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड की वजह से। और मैंने आपसे लगातार मैं आपसे कह रहा था कि फीस हाइक होने वाली है और देखिए फीस हाइक हो गई। टुडे इज लास्ट डे, 12 बजे के बाद आप, मैं बता दूं आज रात 12 बजे के बाद आपकी फीस हाइक होने वाली है। तो देख लीजिएगा, अगर अभी तक आपको प्लस पर एडमिशन नहीं लिया है तो फौरन प्लस पर एडमिशन ले लीजिएगा। श्योर है, नए साल में मैंने आपसे बोला था कि फीस हाइक हो जाएगी तो आज नया प्लान आ गया है वहां से। तो आज 12 बजे के बाद एक आप लोगों को नया एडमिशन मिल जाएगा कि फीस आपकी हाइक हो चुकी है। ओके, तो उससे पहले ही बिफोर फीस हाइक हो जाए उससे पहले आप यूज माई रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और आप अपकमिंग बैचेस के बारे में गाइस देख रहे होंगे, सारी की सारी बैचेस की शुरुआत हो गई है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। आप स्क्रीन पर नाम भी देख रहे होंगे। ठीक है, चले गाइस हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम हेगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग अर्शिया जी, सीमा जी, कल्पना जी। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा मैं लेट हुआ हूँ थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन रोज नहीं लेट हूंगा ये भी मैं बता रहा हूँ आपसे। गुड इवनिंग अर्शुमानी जी। गाइस जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तो मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि सैफ सर आ चुके हैं और सैफ सर आपके लेक्चर को शुरुआत करने वाले हैं और एक बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक के साथ जिसका नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। तो आज हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हमें हेगल के बारे में पढ़ना है। ओके, चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो हेगल के बारे में, इनका पूरा नाम तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। He was born on 1770 in Germany. ये देखिएगा 1770 में जर्मनी में इनकी पैदाइश हुई थी, जन्मदिवस इनकी पैदाइश वहीं हुई थी 1770 में जर्मनी में। He was the founder of the modern idealism. इनको फाउंडर बोला जाता है कि मॉडर्न आइडियलिज्म का इनको फाउंडर बोला जाता है। His father was a civil servant और जो उनके पिता थे वो एक सिविल सेवक थे। ठीक है, एंड After graduation, he spent 8 years in Switzerland as a private tutor. याद रखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें कि इन्होंने जब इनके पिता एक सिविल सर्वेंट थे, इनकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, यूं कह लीजिए ग्रेजुएशन के बाद, पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये अपना 8 साल स्पेंड करते हैं कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में किस तरीके से 8 साल एज अ प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर यहाँ पे ये अपना जिंदगी के 8 साल ये स्पेंड करते हैं। देखो उसके बाद 1801 में ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। तो याद रखिएगा 1801 में ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ जेना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को ये ज्वाइन करते हैं। ओके, एंड हिज रोड हिज फिनोमोलॉजी ऑफ स्प्रिट, और इसी के दौरान वो अपनी एक बहुत ही फेमस वर्क, आप यूं कह सकते हैं फेमस बुक इनकी है,
और अभी कुछ और भी बुक्स और कुछ इनके वर्क्स क्रिएशंस को मैं आगे और लिस्ट वाइज दे दूंगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन इसी दौरान उन्होंने क्या किया था, 1807 में, ही रोट इज फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट 1807 में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1807 में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी क्रिएशंस थे ये। एंड इन 1816 में ही पब्लिश साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है। 1807 में क्या हुआ था, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट, देन 1816 में पब्लिश क्या हुआ था, साइंस ऑफ लॉजिक, ओके। तो बच्चों आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा सारी सारी चीजें साइंस ऑफ लॉजिक के बारे में, ठीक है, अभी हम देखेंगे। एंड इसी के बाद जब इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक को पब्लिश किया 1816 में, तो इनको अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग, तो इनको हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में एज अ प्रोफेसर इनको क्या कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। मतलब वो काफी क्रिएटिव थे, काफी ज्यादा लॉजिक आप कह सकते हैं हेगल काफी स्किल्ड थे, और इनकी इसी फिलॉसफी और इसी की वजह से देखिएगा यहाँ पे इनको अपॉइंट कर लिया जाता है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में, ठीक है। एंड इन 1818 में ही पब्लिश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफर साइंस, याद रखिएगा 1816 में, आई थिंक यहाँ पे मैंने शायद, हाँ 1816 में हो गया, 1818 में ही पब्लिश्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफर ऑफ साइंस, याद रखिएगा ये सारी की सारी इनके बुक्स हैं, फेमस वर्क हैं, तो आप प्लीज इनको नोट डाउन करते चलिएगा जो आप लोगों को वहां पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से भाई और लोगों को शेयर कर दीजिए, अभी तक कम लोग आए हैं, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन चले। तो अर्शुमानी जी, आराध्या एंड मोहन चंद्रा, बिल्कुल गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का। तो बच्चों जल्दी से इसको शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, बैक टू बैक शेयर कर दो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि सैर सर के लेक्चर शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। इन 1818 ही पब्लिश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, एंड इसी के बाद अपॉइंटमेंट एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। देखो वहां पे जब इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक को पब्लिश किया, उसके बाद ये क्या अपॉइंट हो रहे हैं, एज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में, ठीक है। लेकिन जब 1818 में उसके बाद ये पब्लिश कर रहे हैं अपनी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस पब्लिश कर रहे हैं, उसके बाद इनको अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो बर्लिन की यूनिवर्सिटी में इनको अपॉइंट किया जाता है प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी के रूप में, क्योंकि देखिएगा फिलोसफी इनकी इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें फिलोसफी पे भी लिखी है, और फिलोसफी भी इनका जबरदस्त तरीके से कमांड रहा है। उसके बाद फाइनली 1821 में इन्होंने पब्लिश किया था फिलोसफी ऑफ राइट्स, जिन्हें हम फिलोसफी ऑफ लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ राइट्स को इन्होंने 1821 में क्या किया था, पब्लिश किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि इनके मेन वर्क्स हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको इरेज कर दूं जिससे आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिखे। स्पेलिंग यहाँ पे जो कुछ गलत होगी मैं इसको सही करवाता रहूंगा, जैसे स्पेलिंग यहाँ पे गलत जो मुझे दिख रही है, ट्विटर की गलत दिख रही है, ठीक है, उसको मैंने सही कर दिया है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे फिलोसफर नहीं होगा, फिलोसफिकल होगा, ओके, फिलोसफिकल साइंस होगा, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस 1818 में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं 1801 में, 1807, 1816 में पब्लिश साइंस ऑफ लॉजिक, 1818 में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, देन ही अपॉइंट एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, इन 1821 पब्लिश फिलोसफी ऑफ राइट्स। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन कर चुके होंगे तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ इनके बारे में और चीजें देखता हूँ, ओके चले। वाइल इन बर्लिन, याद रखिएगा जब ये स्टडी कर रहे थे, बर्लिन में स्टडी कर रहे थे, तो जो अपने लेक्चर को ये डिलीवर करते थे, डिलीवर लेक्चर ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, ध्यान रखिएगा बर्लिन यूनिवर्सिटी में जो ये लेक्चर देते थे वो किस पे था, मेनली जो टॉपिक थी उनकी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। तो हेगल की डेथ के बाद इन्हीं की यही सारे लेक्चर को क्या कर लिया गया था, एक जगह कंपाइल कर लिया जाता है, तो आफ्टर हेगल डेथ कंपाइल हिज लेक्चर, और इसी को लेक्चर को कंपाइल करके जो इनकी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, तो एक नई कंपाइल करके एक बुक बनाई जाती है, जिसको हम आप जानते हैं ये 1837 होगा, ना कि 57, ठीक है बच्चों, 1837 होगा आई थिंक, हाँ। यहाँ पे इन सारी लेक्चर को कंपाइल करके इनके बर्लिन के लेक्चर को यहाँ पे एक नई जो किताब बनाई जाती है, उसका नाम होता है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वॉज पब्लिश इन 1837, तो इनके डेथ के बाद ये चीजें कंपाइल की गई थी और फाइनली इनकी जो डेथ हो जाती है वो 1831 में डेथ हो जाती है ड्यू टू कॉलरा। कॉलरा आप समझते हैं ना, हैजा जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और आज ही देखिए इसके बारे में मैं पढ़ा रहा था मॉर्निंग की क्लास में, एनवायरमेंट वाला जब मैं टॉपिक वहां पढ़ा रहा था तो वाटर से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं उसमें मैंने कॉलरा और हैजा के बारे में वहां पे पढ़ाया था। तो आप मेरे वहां पे लेक्चर जाकर देख लीजिएगा इस बीमारी के बारे में कि कॉलरा किसकी वजह से होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसी बीमारी की वजह से हेगल की क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 1831 में। और उसके बाद इनकी जो लेक्चर्स होते हैं, जो इनकी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, उसको इनकी मौत के बाद इनकी लेक्चर को कंपाइल किया जाता है। वो कंपाइल किस फॉर्म में किया जाता है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के फॉर्म में, देन इज पब्लिश्ड इन 1837। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप लोग अब कमेंट करके बता दीजिए हेगल के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए और फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलें अश्वानी जी, ओके थैंक यू बच्चों, आप मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मैक्सिमम शेयर कर दो, अभी भी बहुत कम लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो कम से कम भैया इसको जो पिछला रिकॉर्ड है वो तो मेंटेन ही रहे ना, जो बच्चे लगातार 25-30-35 बच्चे लगातार 35 बच्चे आते हैं आपकी इस बैच में, तो वो बच्चे तो हों, ठीक है। चलें थैंक यू अर्शुमान जी, सीमा जी, पूजा जी, क्लियर हो गया आपका, ओके। चले अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। आज प्रतीक्षा जी नहीं आई क्या, उनके कमेंट सबसे पहले होते हैं, बिट्टू बॉस, प्रतीक्षा जी, तो ऐसे बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है नहीं आए हों वो लोग। चले कोई बात नहीं, क्लियर है अनिता जी। चलो बच्चों अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं हेगल के बारे में, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हेगल ने विवेक और ज्ञान को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया, ठीक है। हेगल ने क्या किया है, नॉलेज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे। और ये हेगल जानते हैं ना, ये महान विचारक जो रहते थे जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, कांट है, इमैनुअल कांट है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, तो ये सारे के सारे जो विचारक हैं, हम इनके कई विचारकों के बारे में देखिए हमने पढ़ रखा ना, रूसो के बारे में, अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, इसको मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो सारे के सारे विचारक से ये काफी ज्यादा प्रभावित थे, इनका प्रभाव पड़ा था हेगल की लाइफ में। ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ये जो फिलोसोफर थे, इनके लाइफ में ज्यादा काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इनका, इन सारे विचारकों का, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने विवेक को, ज्ञान को, नॉलेज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, महत्व प्रदान किया था, ओके। अब हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इनकी कुछ थ्योरीज के बारे में, ओके बच्चों। मुझे लग रहा है आप सब लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको सारी चीज, सारी थ्योरी क्लियर हो जाती है तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको वो सारी चीजें क्लियर हो रही है। चलो भैया अब इनके हम हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ओके। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, आइडिया इज द बेसिक सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स। क्या बोला मैंने, आइडिया इज अ, देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो आवाज मेरी सुनिएगा, आइडिया इज अ बेसिक सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने यहां सबसे पहले बोला है, हेगल आइडिया में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ओके। हेगल आइडिया में विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि यूनिवर्स में सबसे बेसिक सब्सटेंस क्या है, यूनिवर्स में सबसे बेसिक सब्सटेंस आइडिया है। चलो आगे हम देख के चलते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला, हेगल का मानना है कि जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखिए आइडिया इज इंडोर्ड विद कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया की वजह से होते हैं। इनका कहने का मतलब है जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, आइडिया की वजह से हुए हैं। आइडिया जो है उसमें डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है, आइडिया हमेशा डेवलप्ड होता रहता है, ऐसा किसका मानना है, इनकी डायलेक्टिकल थ्योरी में हमने देखा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। देखो इन्होंने साफ साफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में बोला है कि जो सबसे पहले जो आइडिया हेगल ने जो बोला है कि आइडिया में ये विश्वास करते हैं,
और यूनिवर्स में जो सबसे बेसिक सब्सटेंस है, इनका कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में जितने भी बेसिक सब्सटेंस हैं, ठीक है, उसमें आइडिया ही है, बेसिक सब्सटेंस आइडिया है। और जो आइडिया है ना, हेगल का मानना है कि जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं वो सब आइडिया की वजह से हुए हैं। आइडिया जो है उसमें डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, आइडिया जो है उसमें डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, और आइडिया हमेशा डेवलप्ड होता रहता है। तो ऐसा विचारधारा, ऐसी मानना, ऐसा कुछ मानना इनका हेगल का था, इन्होंने अपने इस चीज को बारे में बताया। अच्छा, कल्पना जी कह रही है सर फर्स्ट लाइन की हिंदी बता दीजिए। ओके, देखिए कल्पना जी, मैं आपके लिए फिर से बता दे रहा हूं, मैंने फर्स्ट लाइन में बोला है कि हेगल क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आइडिया में विश्वास करते हैं। कल्पना जी ध्यान सुनिए, हेगल क्या कर रहे हैं, वो कल्पना आइडिया में विश्वास करते हैं, और उनका कहना है कि यूनिवर्स में जो सबसे बेसिक सब्सटेंस है वो आइडिया है। ओके, यही मैंने बताया है, जो इंग्लिश में लिखा है, आइडिया इज द बेसिक सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि जो भी हेगल का मानना है, जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं या हुए हैं, वो आइडिया की वजह से ही हुए हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चले कल्पना जी, क्लियर हो गया, ओके थैंक यू। तो वर्तिका जी, सॉरी सर आई एम लेट। अरे भैया, तो लेट क्यों हो रहे हैं आप लोग, नितिन सैनी जी है ना, तो लेट मत भैया करें। चलो थैंक यू कल्पना जी, आपको क्लियर हो गया। बच्चों अब हम हेगल से कुछ आगे बढ़ते हैं और आइडिया ऑफ स्टेट को देखते हैं। देखो हम अब इनके हेगल के आइडिया ऑफ स्टेट को समझते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हेगल ने आइडिया ऑफ स्टेट के बारे में यहाँ पे समझाया है। देखो आइडिया ऑफ स्टेट हेगल का एकदम शानदार और एकदम सिंपल तरीके से है। ये बोल रहे हैं स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ। सीधा सा कहने का मतलब है कि स्टेट क्या है भैया, एज एंड एंड है, ठीक है। और स्टेट पे क्या होना चाहिए, यानी कि एक यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म होना चाहिए, यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म होना चाहिए। ओके, तो यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म का मतलब है कि स्टेट को भैया न्यूट्रल होना चाहिए, सिंपल सा। यानी कि जो स्टेट हो वो क्या हो, न्यूट्रल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी स्टेट गवर्न होती है उसके हिसाब से स्टेट को एक न्यूट्रल अपना अप्रोच अपनाना चाहिए यहाँ पे, और लोगों के वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसा आइडिया किसका था, हेगल का आइडिया था। चलो आगे हम देख के चलते हैं। यहाँ पे स्टेट न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटेड यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म। यहाँ पे ऑल्ट्रिज्म का मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि स्टेट एकदम न्यूट्रल फॉर्म वो अपना अख्तियार करें। और स्टेट इज गवर्न बाई यूनिवर्सल क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिएगा, यानी कि जो यहाँ पे जो क्लास है, जो ये स्टेट को गवर्न कर रहा है, वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हम सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं, द सिविल सर्विसेज, ठीक है। लेकिन ये क्लास कैसी होनी चाहिए, ये क्लास अपने में न्यूट्रल रहेगी और सभी के वेलबींग के बारे में सोचेगी। यानी कि टोटली हम ये कह सकते हैं लोगों के अच्छे के, उसके अच्छे के लिए सोचेगी, उनके वेलबींग के बारे में सोचेगी, उनके वेलफेयर के बारे में आप यूँ कह सकते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगी। तो ऐसा जो हेगल का आइडिया है, आइडिया ऑफ स्टेट का, वो साफ साफ उनका कहने का मतलब है कि जो भी कुछ गवर्न हो, यूनिवर्सल क्लास ब्यूरोक्रेसी की वजह, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से गवर्न होती है, जिसको हम सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं, और वो एकदम वो क्लास कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, और सभी के, यानी जो लोग रहते हैं उनके वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए, और उनका हमेशा यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म होना चाहिए, यानी एकदम न्यूट्रल चीजें टाइप से रहनी चाहिए। ओके, तो ये आइडिया ऑफ स्टेट था, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। चलो अब इनके फेमस कोट्स देखते हैं ऑन स्टेट को लेकर के, कुछ फेमस कोट्स हैं बच्चों, तो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो कुछ हेगल से रिलेटेड कुछ मैंने फेमस कोट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं कि हेगल्स स्टेट को लेकर के क्या क्या बातें करता था, उसका क्या मानना था। और अभी इन सारी चीज़ों को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, जब हम इनकी सिविल सोसाइटी वगैरह को और भी कुछ कमेंट्स वगैरह देखेंगे हेगल्स पे, तो वहां पे क्लियर कर देंगे। ओके, तो जल्दी से बच्चों अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फेमस कोट्स हैं ऑन स्टेट के। अभी कुछ क्रिएशंस इनकी, कुछ मैं मेन वर्क्स भी आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगा, तो आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करें, चाहे लिख लिया करें। वैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि प्लीज लिख लिया करो, ठीक है, और लेक्चर को दो बार देख लिया करो, दो तीन बार, तो क्या होगा, आपको कोई भी जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम इजी से आसानी के साथ आपको सारी की सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। अब देखो स्टेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे इनका क्या स्टेट का आइडिया था। अब इसी के बारे में कुछ और कमेंट्स लिख लेते हैं, यानी कि कुछ कोट्स हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं। स्टेट एज द एक्चुअलिटी ऑफ द एथिकल आइडियाज। यहाँ देखो भैया, ये एथिकल आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा बात कर रहे हैं स्टेट एज मार्च ऑन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, गॉड ऑफ
गॉड ऑन अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। और तीसरी बात और आखिरी बात यहाँ पे जो मैंने लिखी है, स्टेट एज अ डिवाइन आइडिया एज इट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। याद रखिएगा, स्टेट एज अ डिवाइन आइडिया एज इट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ये चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ओके। चलो तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इनके कुछ सिविल सोसाइटी के बारे में समझते हैं कि इनका स्टेट से ही जो पहले ही ऐसे ही थिंकर्स आप यूं कह लीजिएगा जिन्होंने एक स्टेट को और सिविल सोसाइटी के बीच में डिफरेंस किया है, क्या डिफरेंशिएट किया है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इनकी सिविल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं, सिविल सोसाइटी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखो, हेगल वॉज द फर्स्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। हेगल एक पहले ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने डिफरेंशिएट किया है स्टेट और सिविल सोसाइटी को, ठीक है, पहला पॉइंट। और यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी का जो मतलब है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सिविल सोसाइटी का जो मतलब है वो एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति अपनी जो जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ पे देखिएगा सिविल सोसाइटी के क्या है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जो अपनी जरूरतों को पूरा करता है, किसके अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल अपनी जरूरतों को पूरा करता है, यही सिविल सोसाइटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू हेगल, ओके। और यहाँ पे सिविल सोसाइटी इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी क्या है, एक प्रोफेशनल, याद रखिएगा एक प्रोफेशनल एसोसिएशन को बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये सिविल सोसाइटी को ये बोल रहे हैं, सिविल सोसाइटी इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप स्वैच्छिक संगठन है, एक स्वेच्छा से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो, जैसे आप स्वैच्छिक कोई चीजें होती हैं आप क्या कर सकते हो, आप स्वेच्छा से उसको ज्वाइन कर सकते हो, स्वेच्छा से आप छोड़ सकते हो। तो सिविल सोसाइटी इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन है। और सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल अपनी जरूरतों को जो पूरा करता है वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा करता है। और ये सारी की सारी चीजें हेगल्स ने सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में समझाया है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो, हेगल का सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अगर सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहिए मुझे कि सर क्लियर हो रहा है। अब इनके अभी हम स्टेट्स को और सिविल सोसाइटी को इन्होंने जो डिफरेंशिएट किया है ना उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको स्टेट वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी क्लियर हो गया होगा तो स्टेट भी अपने आपको और अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको आगे। चलो भाई कमेंट तो वर्तिका सैनी जी, कल्पना जी, पूजा जी, अनिता जी, ओके थैंक यू भाई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार बने रहते हो और कमेंट करते रहते हो। चलो अब मैं आगे समझाता हूँ कुछ इनके सिविल सोसाइटी से आगे बढ़ते हुए स्टेट के और कॉन्सेप्ट को। देखो इनका क्या कहना है हेगल का, कि ये जो विधि निर्माण है, नैतिकता, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है। याद रखिएगा जो ये लॉ मेकिंग है और ये मोरालिटी है, जिस मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस लॉ मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब है ये सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, क्योंकि राज्य स्वयं एक नैतिक संस्था है। स्टेट क्या है, एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्टेट एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि स्टेट का, स्टेट की जो पोजीशन होगी वो टॉप होगी, सर्वोपरि होगी, ठीक है। तो स्टेट क्या होगा, एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू हेगल, और स्टेट के अंतर्गत ही सारी की सारी लॉ मेकिंग एंड मॉरलिटी उसी के अंतर्गत होती है, और इसी वजह से स्टेट का जो पोजीशन है, जो स्थान है, वो क्या है, सर्वोपरि है, यानी कि मतलब प्रायोरिटी पहले पे है, ठीक है, टॉप पे है। तो ऐसा हेगल का कहना था स्टेट को लेकर के। आगे हम समझते हैं हेगल के कुछ और स्टेट के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, ओके। सो कोल्ड वर्तिका जी, अच्छा ठंड ज्यादा हो रही है, यही आप कहना चाहते हैं, तो भैया ठंड तो हो रही, क्या करेंगे, पढ़ाई तो कर लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है आगे, राज्य आत्मा की उच्चतम विकास का प्रतीक है। देखो भैया सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि जो स्टेट है ना वो सोल के डेवलपमेंट का, सोल के
डेवलपमेंट का ये बोल रहे हैं कि एकदम टॉप का उच्चतम विकास का एक प्रतीक है स्टेट को, ठीक है। स्टेट को बहुत ज्यादा यहाँ पे हेगल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्टेट के बारे में ये सारी चीजें बोल रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक जो थिंकर है गार्नर ने स्टेट हेगल पे, हेगल के स्टेट के कॉन्सेप्ट पर एक कमेंट किया है, बोला है हेगल की दृष्टि में राज ईश्वरीय है। राज क्या है? ईश्वरीय है, जो कोई गलती नहीं कर सकता। सोचिए इस सारी चीजों की स्टडी करने के बाद में गार्नर ने जो पॉइंट बोला है, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हेगल थे, जो उनका जो आइडिया था स्टेट का, वो क्या था? राज्य ईश्वरीय है। और राज्य क्या है? कोई गलती नहीं कर सकता है, राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि पूरी तरीके से इनका जो एस्पेक्ट होता है वो फ्री होता है, फ्रीडम होता है। और यही चीजों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी सी पहले इस स्लाइड से बताया है, स्टेट एज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, समझ रहे हैं? जो इनके फेमस कोर्स स्टेट को लेकर थे, एक इथिकल आइडियाज, डिवाइन आइडियाज, सारे के सारे स्टेट को लेकर के है ना, तो इसी चीजों को लेकर के यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि राज्य को लेकर के इनका क्या मानना था हेगल का, उनकी क्या पॉलिटिकल थॉट्स थे, क्या थिंकिंग थी, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है। बच्चों देखो गार्नर का स्टेटमेंट जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखो जो कुछ हमारे याद रखिएगा, जो भी कुछ हमारे जो फेमस वो सारी चीजें होती है ना, एक मिनट, जो फेमस जितने भी फिलोसोफर होते हैं, जो थिंकर होते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों ना, कि जो भी कुछ कमेंट होता है वो आपसे यूजीसी यहाँ से पूछ सकती है और पूछती भी है, तो इन चीजों को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो गार्नर का स्टेटमेंट आप यहाँ जान सकते हैं कि हेगल की दृष्टि में राज्य क्या है? एक ईश्वरीय है, और राज्य कोई गलती नहीं कर सकता है, राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ऐसा गार्नर ने लिखा है हेगल के स्टेट के आइडियाज को लेकर। ओके चलो बच्चों आगे हम यहाँ देखते हैं कमेंट्स ऑन हेगल। तो हेगल पे अब हम कुछ कमेंट्स देखते हैं, चले उससे पहले मैं आपको यहाँ पे रफ करता हूं और फिर यहाँ पे इनके हम कुछ कमेंट्स को देखते हैं। चलो देखो भैया, अब पॉपर ने क्या बोला है, पॉपर ने क्या बोला है हेगल के बारे में, द प्रिंसिपल एम ऑफ हेगल वॉज टू फाइट अगेंस्ट द ओपन सोसाइटी। ध्यान सुनिएगा सब लोग, ठीक है, नो डाउन भी करते रहिएगा। द प्रिंसिपल एम ऑफ हेगल वॉज टू फाइट अगेंस्ट द ओपन सोसाइटी एंड टू सर्व हिज एम्प्लॉयर। यानी भैया इनका मानना है कि हेगल क्या है, ओपन सोसाइटी के दुश्मन है। लो भैया ठीक है, पॉपर का कमेंट। अब देखो अलग अलग थिंकर है, अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं और अलग अलग तरीके से सबने कमेंट किया है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। अब पॉपर का मानना है कि जो हेगल हैं वो क्या है, ओपन सोसाइटी के एनिमी हैं, दुश्मन हैं। और हेगल जो सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल के लिबर्टी एंड चॉइसेस को लिमिटेड कर देंगे। देखो अब यहाँ पे हेगल को यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि पॉपर क्या कह रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं उनके स्टेट के आइडिया को लेकर के। हेगल के यहाँ पे वो क्रिटिक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहली चीज तो ये ओपन सोसाइटी के एनिमन है, सॉरी एनिमी है, दुश्मन है। और जो ये सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हेगल जो सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहे थे और ये क्रिएट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के, यानी जो भी इंडिविजुअल होगा उसके लिबर्टी एंड उसके चॉइस को ये क्या कर देगा, एकदम सीमित करके रख देगा, लिमिटेड कर देगा, लोगों को बांध के रख देगा, ऐसा पॉपर का कमेंट्स था अकॉर्डिंग टू, मतलब हेगल को लेकर के। ओके चलो बच्चों अब हम पॉपर का कमेंट देख लिए हैं, अब हम देखते हैं सबाइना का, सबाइना का कमेंट यहाँ पे देखते हैं। सॉरी सबाइना नहीं होगा, सबाइन, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, सबाइन है ये, ठीक है इसको सही कर लीजिएगा। तो सबाइन का कमेंट यहाँ पे हम देखते हैं, हेगल फेल टू मेक अ क्लियर बिलीव दैट मॉडर्न स्टेट Does not protect the right of choice. Okay, बच्चों तो Hegel failed to make a clear belief that modern state does not protect the right of choice. यानी कि Hegel ये recognize करने में fail हो गए। सुनिए यहाँ पे Sabine क्या कहते हैं, Sabine कह रहे हैं Hegel ये recognize करने में fail हो गए हैं कि जो ऐसे state पे right of choice protect नहीं हो सकेगी। अब आप सोचो कि ये इस तरीके को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो गए कि ऐसी स्टेट में राइट ऑफ चॉइस को ये प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगी, तो ऐसा सबाइन का यहाँ पे कहना था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्क्स ने हेगल को, हेगल के इस थॉट्स को लेकर के क्या बोला है। देखो
यहाँ पे मार्क्स ने हेगल को यहाँ पे बोला है, हेगल इज अ स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। लो भैया इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। हेगल इज अ स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, आई हैव टू मेक हिम स्टैंड ऑन हिज फीट। हेगल अपने सर के बल पर खड़े हैं और मैं इनके पैरों के बल पर इन्हें खड़ा करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मार्क्स ने कितनी बेहतरीन तरीके से कितनी अच्छी बात बोली है हेगल को लेकर के, कि हेगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, आई हैव टू मेक हिम स्टैंड ऑन हिज फीट। यानी हेगल अपने सर के बल पर खड़े हैं और मैं इन्हें इनके पैरों के बल खड़ा करना चाहता हूं, ऐसा स्टेटमेंट था मार्क्स का। ओके बच्चों, तो आप लोग जल्दी से आप कमेंट करके बता दो, क्या आपने पॉपर के, सबाइन के और मार्क्स के कमेंट को, हेगल के स्टेट के कमेंट्स को लेकर के आपने नोट डाउन कर लिया है? नोट डाउन कर लिया है तो मुझे आप बता दीजिए, फिर मैं इनके कुछ मेन्स वर्क्स और इनके फ्रीडम से रिलेटेड थॉट्स को आगे बढ़ता हूं। तो जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट करके सारी की सारी चीजें यहां पे मुझे बताते रहिए कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। वर्तिका जी, सीमा जी, कल्पना जी और भी बाकी बच्चे जो भी हैं, समझ में आ रहा है सारी चीजें? तो मैं इसके पीछे भी स्लाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ और आप लोग जिससे आसानी के साथ लिखते भी रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और ओके, थैंक यू वर्तिका जी, पूजा जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अर्शिया जी, सीमा, ओके, कल्पना, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि मेरे सारे बच्चों को जब समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार स्लाइड स्क्रीन को मैंने पीछे कर दिया है, स्लाइड्स को आप फिर से नोट डाउन कर सकते हो आसानी के साथ, और थोड़ा सा शॉर्ट में नोट किया करो। नोट्स मतलब ही होता है ना कि पूरा मत छापा कर उठा करके, कि जो मैंने जैसे लिखा है वैसे ही टू कॉपी छापने लग जाते हो, ऐसा मत किया करो। एस सर रिपीट टू, अच्छा दूसरा वाला मैं रिपीट कर दूं सबाइन का, ओके मैं रिपीट कर दे रहा हूं। और किसी का, देखो वर्तिका सैनी जी, मैं ये बता रहा था कि इनका जो स्टेटमेंट था उन्होंने बोला है, हेगल फेल्ड टू मेक अ क्लियर बिलीफ दैट मॉडर्न स्टेट डज नॉट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चॉइस। यानी कि अब आप यहां पे देख रहे होंगे, हेगल ने ये कह रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं हेगल पे कि ये रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में फेल हो गए। तो ये मॉडर्न स्टेट है उसको ये पहचानने में फेल हो गए हैं कि जो स्टेट ऑफ राइट ऑफ चॉइस है उसको प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे हेगल के बारे में ये बोल रहे थे। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कि सबाइन का यहाँ पे कहना था कि जो ये स्टेट ये फॉर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पे लोगों की जो चॉइस ऑफ राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है, और इस चीज को ये रिकॉग्नाइज करने में ये फेल हो गए। आई होप अब आप लोग को और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वर्तिका जी जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया है, कि मैं फिर से और आसानी के साथ समझाऊं। आई होप समझ में सबको आ गया है, तो आपको भी आ जाना चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कमेंट थोड़ा सा स्लो चलता है मालूम है मुझे, तो जिसकी वजह, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ऐप पे पढ़ाने में बहुत मजा आती है, वहां पे एकदम बहुत तेजी के साथ मामला चलता रहता है, तो सारी चीजें क्लियर होती रहती है वहां पे। चलो बच्चों कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपके सबाइन के स्टेटमेंट को लेकर के, पॉपर के स्टेटमेंट को लेकर के, गार्नर के स्टेटमेंट को लेकर के, और मार्क्स के बारे में भी, मतलब मार्क्स के स्टेटमेंट को लेकर के, कमेंट को लेकर के समझा दिया। वर्तिका सैनी जी थैंक्स सर, अच्छा मतलब समझ में आ गया, ओके शुक्रिया। चलो भाई आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं ना, अदरवाइज अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं समझ में आता तो फिर मैं रुका रहता हूँ। अब कुछ मेन वर्क्स लेकर के आया हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि अभी कुछ मेन वर्क्स मैंने पहले भी लिख पाए हैं इनके, तो उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं उसको नोट कर लीजिएगा। फिलोसफी ऑफ लॉस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये मैंने आपको बताया है। फिलोसफी ऑफ राइट्स एंड लॉज, ये भी आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ऐड कर लीजिएगा, एक नया क्रिएशन इनका, मेन वर्क्स मेन के वहां पे ऐड कर लीजिएगा, जहां पे मैं सारे के सारे इनके जो पब्लिश हो रही थी सारी की सारी बुकें वहां पे जो पढ़ता आ रहा था। तो यहाँ पे चले अब इनके मेन वर्क्स हो गए हैं भैया, फिलोसफी ऑफ लॉज हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी हो गए हैं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हो गए हैं। और आपको मालूम है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कब कंपाइल हुई थी, इनके डेथ के बाद 1937 में कंपाइल किया गया था, जो इनका लेक्चर था बर्लिन में, जहाँ पे डिलीवर करते थे ना हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, उसी लेक्चर को कंपाइल किया गया, और इसकी वजह से फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1937 में क्या किया गया,
पब्लिश किया गया। ओके देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट आप इसको देख सकते हैं, स्लाइड में पीछे कर दे रहा हूँ। तो बच्चों ये देखो मैंने कहाँ लिखा है, जी हाँ 1837 में देखिएगा पब्लिश कर दिया जाता है ना फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री को कंपाइल करके, और फाइनल और इनकी डेथ 1831 में हो चुकी रहती है कॉलरा की वजह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, स्लाइड्स में भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगा अगर आप लोग हमेशा मेरे लेक्चर को कम से कम दो बार जरूर देखा करो, ठीक है, नोट्स भी बन जाएगी और तैयार भी हो जाएगा। तो कमेंट्स वगैरह हो गया और इनके कुछ मेन वर्क्स हो गए बच्चों, आइए अब हम इनके फ्रीडम से रिलेटेड थॉट्स के बारे में समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो भैया स्वतंत्रता से रिलेटेड इनके क्या थॉट हैं। हेगल के स्वतंत्रता से रिलेटेड इनके थॉट्स क्या है, देखो भैया हेगल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन का सार मानते हुए कहा था, ध्यान रखिएगा हेगल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन का सार मानते हुए कहा था कि स्वाधीनता मनुष्य का विशिष्ट गुण है। देखो ये कहने का मतलब टोटली यहाँ फेवर में है किसके, फ्रीडम के, ठीक है, ये फ्रीडम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि जो स्वाधीनता होती है वो मनुष्य का विशिष्ट गुण है, ठीक है, और जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने फ्रीडम का मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, एक सामाजिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, सोशल फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। और ये आगे बात करते हैं कि समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना, देखो बहुत अच्छी बात यहां कह रहे हैं कि समाज यानी कि सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के बिना सहयोग के, बिना सहयोग के स्वतंत्रता क्या है, संभव नहीं है, यानी कि फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। और फिर ये बात कर रहे हैं कि जो आधुनिक जो राज है एक मॉडर्न स्टेट में, मॉडर्न स्टेट में सभी मनुष्य क्या हैं, मॉडर्न स्टेट में सभी इंडिविजुअल, सभी ह्यूमन क्या हैं, वो क्या होते हैं, फ्री हैं, यानी कि स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ऐसा हेगल का फ्रीडम से रिलेटेड थॉट्स था। ओके तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ थॉट्स को लेकर के। उन्होंने बोला है फ्रीडम को लेकर के, जो ये मनुष्य के जीवन में जो आजादी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक मेन उसके वर्च्यूज में से आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए, एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात रखा है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के बिना, बिना एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई भी फ्रीडम संभव नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो ये मॉडर्न स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि आधुनिक राज में सभी मनुष्य क्या है बच्चों, स्वतंत्र हैं। तो ऐसा इनका थॉट्स था, किससे रिलेटेड थॉट्स था, ये स्टेट से को बात करते करते ये फ्रीडम के बारे में भी बात कर रहे हैं, और मैंने इनके स्टेट्स के थॉट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया है। शिवम चौधरी जी बिल्कुल, ये क्लास डेली चलती है, मंडे टू फ्राइडे मैं रोज आता हूँ सेम समय पे, ठीक है, 4 PM से 5 PM। और वर्तिका सैनी का कहना है सर रियली सर यू आर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज टीचिंग स्टाइल इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, आई एम सो हैप्पी, शुक्रिया वर्तिका जी। देखो बच्चों मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि जो भी लेक्चर मैं आपको दूँ या पिछले एक महीने से ज़्यादा का समय से मैं लगातार आपको लेक्चर डिलीवर यहाँ पे कर रहा हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो थिंकर्स के बारे में हो या कोई थॉट्स हो या कुछ भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई भी सीरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि कितने स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से आसानी के साथ एक एक पॉइंट्स मैं निकाल के लाता हूँ और आपको आसानी के साथ समझा ले जाता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों, देखो क्लास का मतलब क्या होता है, अगर क्लास भी मैं एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ाने लगूँ, पूरा डिटेल में लिखवाने लगूँ, चलो एकदम डिटेल में कॉपी करना शुरू करो, तो क्या मकसद होगा आपका क्लास में आकर के, आप चाहते हो ना कि आपके एक घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाए, एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो मैं पर डे यही टारगेट रखता हूँ बच्चों कि आपको एक घंटे के अंदर अंदर मैं आपकी एक टॉपिक कवर करवा दूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी रहता है, आप चाहे इससे पहले जितने थॉमस हॉब्स के बारे में, लॉक रूसो के बारे में, लॉक के बारे में, या उससे पहले जितने भी आपने हमसे थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके सैर सर क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें आसानी के साथ कवर करा रहे हैं। ओके चलो बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो
कि वाकई आपको हेगल के बारे में बेसिक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। अगर आपको हेगल के बारे में बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम जल्दी से आपको एक शानदार तरीके से क्विक रिविजन करवा देते हैं 5 मिनट के अंदर, और फिर आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं स्क्रीन एक बार इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गंदी स्लाइड दिख रही है, आप लोग आसानी के साथ जो चीजें कर सको। स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, कुछ लोग नोट डाउन करते रहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, तो बच्चों को समझ में आ जाए। आई होप बच्चों आप लोग ये चीजों को समझ रहे होंगे। वर्तिका सैनी जी, यस सर करेक्ट, कल्पना जी, अनिता जी, ओके। बाकी बच्चे भी कमेंट करके मुझे सारी चीजें बताते रहे कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं उनको, ओके। पूजा जी, सीमा जी, अर्शिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अर्शिया जी भी अब लगातार सारी क्लासेस में आती हैं। मॉर्निंग अर्शिया जी भी अब ऐसी स्टूडेंट्स में से आ गए हैं कि मेरी मॉर्निंग 10 AM में इन्वायरमेंट की भी क्लास करती हैं, 11 AM पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास करती हैं, 4 PM पर यहाँ पे फिर ये पॉलिटिकल साइंस क्लास करती हैं, और ये मुझसे स्पेशल क्लास भी करती हैं अर्शिया जी, ठीक है। तो और ऐसे आप भी बहुत से बच्चे हैं, मीना कुमारी जी, ओके, शुक्रिया शुक्रिया मीना जी, बिल्कुल आप ही लोगों की वजह से सारी चीज़ें हैं। हम तो बस कोशिश करते हैं तो अंजाम तक तो आप ही लोग पहुंचाते हो ना। चलो बच्चों, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार देख करके बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से हम क्यों रिविजन कर लेते हैं। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो एक बार उनका 5 मिनट में क्यों रिविजन हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने हेगल के बारे में यहाँ से पढ़ाना शुरू किया और मैंने बोला कि इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ओके। तो अब जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और मैं फिर आप लोगों को छोड़ देता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज विलियम हेगल्स, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल्स, ओके, थैंक यू बच्चों। ही वॉज बॉर्न ऑन 1770 में, ये जर्मनी में पैदा हुए। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म, ये मॉडर्न आइडियलिज्म के फाउंडर इनको माना जाता है। इनके पिता क्या थे, वॉज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, तेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रिविजन करवा रहा हूँ ना, 5 मिनट में सारी चीजें हो जाए। हिज फादर वॉज अ सिविल सर्वेंट, आगे देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्पेंड 8 years इन स्विट्जरलैंड एज अ प्राइवेट ट्यूटर। तो ग्रेजुएशन के बाद ये 8 साल स्विट्जरलैंड में बिताते हैं एज अ प्राइवेट ट्यूटर के रूप में। फिर 1801 में ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ जेना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को ये ज्वाइन करते हैं 1801 में, और उसी दौरान ही रोट हिज मोस्ट क्रिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क नोन एज फिनोमोलॉजी ऑफ स्प्रिट। फिनोमोलॉजी ऑफ स्प्रिट इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वर्क है, इसको 1807 में इन्होंने पब्लिश किया था, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि UGC आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछती है और पूछ सकती है आगे आपसे, ठीक है बच्चों। फिर 1816 में ही पब्लिश साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक को ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो इन्हीं के बाद, इसी पब्लिश के बाद इनको यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में एज अ प्रोफेसर क्या कर लिया जाता है, इनको अपॉइंट कर लिया जाता है, ठीक है। और देन 1818 में ही पब्लिश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस को ये पब्लिश करते हैं, जिसके वजह से इनको अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो बर्लिन की यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में इनको क्या कर लिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, ओके बच्चों, सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और फाइनली 1821 में ये पब्लिश करते हैं फिलोसफी ऑफ राइट्स, तो फिलोसफी ऑफ राइट्स को ये पब्लिश करते हैं 1821 में। डेट याद रखिएगा, सारी चीजें याद रखिएगा और मेन वर्क्स का सारी के नाम याद रखिएगा, ओके। अब जब ये बर्लिन में रहते हैं, जो इनका जो लेक्चर डिलीवर होता रहता है, जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी को ये जो लेक्चर देते हैं, इनके डेथ के बाद इसी इनके सारे लेक्चर को क्या कर लिया जाता है, कंपाइल कर लिया जाता है। देखो मैं जब इनके बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहीं पर मुझे महात्मा बुद्ध जी याद आ रहे हैं। अब सोचिए क्यों मुझे महात्मा बुद्ध याद आ गए। अब यहाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते देखिए बुद्धा को याद कर रहा हूँ, ऐसा क्यों याद कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा ना विनय पिटक, सुप्त पिटक, मैंने आपको पढ़ाया था त्रिपिटक जो होते हैं सारे, तो उनकी डेथ के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया था, उनके एजुकेशन की, उनके रूल्स रेगुलेशन का संकलन किया गया था, आनंद उपाली, याद आ रहा होगा ना। तो ऐसे ही मुझे याद आ गया फौरन कि हेगल के डेथ के बाद क्या किया गया था, उनके लेक्चर्स को क्या किया गया, यहाँ पे कंपाइल किया गया था, और वो कंपाइल करके फाइनली एक बुक का शक्ल दी गई और उस बुक का नाम रखा गया फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और उसको पब्लिश किया गया है 1837 को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद हेगल की देखिएगा एक दुखदायी मौत हो जाती है कॉलरा से, उस समय वहां पे एक एपिडेमिक होती है कॉलरा, जिसको हैजा के नाम से जानते हैं, 1831 में कॉलरा के वजह से इनकी डेथ हो जाती है। आप मुझसे कोई कमेंट करके क्या ये बता सकता है कि कॉलरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, थ्रीपिटक, हाँ बिल्कुल, यस सर ओके। तो आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि कॉलरा
किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, आज सुबह की क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो इसीलिए कहता हूँ बच्चों मेरी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की भी मैं आपको पेपर वन की क्लास करवा रहा हूँ, तो आप मुझसे पेपर वन की भी क्लास लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है वहाँ पे पेपर वन की क्लास में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चले तो फिलहाल बाद में बताएंगे इसका आंसर। तो क्या हुआ था, उनकी डेथ के बाद ये बुक पब्लिश कर दी जाती है। और हेगल क्या होते हैं, ये अपने लाइफ में जो प्लेटो होते हैं, अरस्तु, कांट, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये इतने ज़्यादा फिलोसफर से ये प्रभावित होते हैं, इतने ज़्यादा महान विचारकों के विचार से ये प्रभावित हुए रहते हैं। इसी वजह से इन्होंने ज्ञान को, विवेक को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया था। और इनकी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की जो थ्योरी थी, साफ साफ हेगल क्या है, वो आइडिया में विश्वास करते हैं। और हेगल का मानना है कि यूनिवर्स में जो सबसे बेसिक सब्सटेंस है वो आइडिया है, और जो भी कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आइडिया की वजह से हुए हैं, ऐसा हेगल का मानना था। और आइडिया क्या है, उसमें डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है, आइडिया हमेशा डेवलप होता रहता है। ठीक है, उसके बाद इनके स्टेट के आइडिया को हम देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म की थ्योरी दी है। यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म का मतलब है कि स्टेट को न्यूट्रल होना चाहिए, स्टेट को जो गवर्न करते हैं, जो यूनिवर्सल क्लास होती है ब्यूरोक्रेसी की, यानी कि जो नौकरशाह होते हैं जिसको हम सिविल सेवक बोलते हैं, द सिविल सर्विसेज, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, वो अपने क्लास में न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि ये लोग जो होंगे ब्यूरोक्रेट्स क्या होंगे, वो एक न्यूट्रल तरीके से रहेंगे और लोगों के वेलबींग के बारे में काम करेंगे, सोचेंगे। तो ऐसा इनका आइडिया ऑफ स्टेट की थ्योरी थी। अब इसी को लेकर के इन्होंने अपने आइडिया ऑफ स्टेट को लेकर के कुछ फेमस कोट्स किए थे, उसको मैं रफ कर देता हूँ, तो जिससे आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा तो आप लोग को आसानी होगी। ओके, फिर इनके जो फेमस कोट्स थे, जैसे स्टेट एज द एक्चुअलिटी ऑफ द एथिकल आइडिया के बारे में बात करते हैं, मार्स ऑन गॉड ऑन अर्थ के बारे में बात करते हैं, और स्टेट डिवाइन आइडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इनके हम सिविल सोसाइटी के बारे में देखते हैं, तो हेगल वॉज द फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, मतलब इन्होंने पहली बार इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी को, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। देन सिविल सोसाइटी का मतलब जो है, जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा किसके अकॉर्डिंग करता है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करता है। सिविल सोसाइटी इज़ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, सिविल सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और राज्य क्या होता है, वो एक नैतिक संस्था होती है। इसी वजह से राज्य का स्थान सर्वोपरि है, टॉप पे होना चाहिए राज्य। और उन्होंने बोला राज्य कोई गलती नहीं कर सकता, राज आत्मा के ईश्वरीय समान है, तो ऐसी थ्योरी थी। तो गार्डनर ने इनकी दृष्टि में बोला है, गार्नर ने इनको कमेंट किया यहाँ पे कि हेगल की दृष्टि में राज ईश्वरीय है, जो कोई गलती नहीं कर सकता है, राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ऐसा हेगल का, मतलब गार्नर का मानना था हेगल को लेकर के, इनकी स्टेट की थ्योरी को लेकर के। उसके बाद मैंने पॉपर्स को, सबाइन को और मार्क्स के कुछ और कमेंट्स को यहाँ पे बताया है कि हेगल क्या है, ओपन सोसाइटी के दुश्मन है, पॉपर कह रहे हैं। और ये जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी को ये क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल के लिबर्टी एंड चॉइस को लिमिटेड कर देगा। उसके बाद सबाइन का भी यहाँ पे कहना है, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि हेगल जो है वो मॉडर्न स्टेट का जो चीज़ें हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो गए। और किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में फेल हुए हैं, किस चीज़ को पहचानने में ये फेल हो रहे हैं भैया, कि ऐसे स्टेट में राइट ऑफ चॉइस को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ये मतलब कह रहा जा रहा है कि यहाँ पे जो राइट ऑफ चॉइस है वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगा, जिस स्टेट की ये परिकल्पना कर रहे हैं। तो अगर ये प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगा तो ये फेल नहीं होगा इस चीज़ को समझने में, तो ऐसा यहाँ पे सबाइन का मानना था। और मार्क्स ने तो देखो बहुत ही शानदार तरीके से अपने हिसाब से कमेंट किया हेगल को लेकर के, हेगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, आई हैव टू मेक हिम स्टैंड ऑन हिज फीट, यानी भैया हेगल क्या है, और हेगल अपने सर के बल पर खड़े हैं। ठीक है, तो हेगल क्या है, अपने सर के बल पर खड़े हैं, और मैं इनके पैरों के बल पर खड़ा करना चाहता हूँ, ऐसा हेगल का मानना था। ओके, तो बच्चों देखो शॉर्ट में मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर बेसिक चीजें कवर करवा दी। अब इनके कुछ मेन वर्क्स हैं जो वहां पे मैंने नहीं करवाए थे, जैसे फिलॉसफी ऑफ लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, तो सारी की सारी चीजें इनके मेन वर्क्स में है। और इनका जो फ्रीडम से रिलेटेड थॉट्स था उसको भी मैं जल्दी से कवर करा देता हूँ, और फिर मैं आज आप लोग को यहाँ पे छोड़ता हूँ। बच्चों देखो हेगल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन का सार मानते हुए कहा था कि जो स्वाधीनता होती है, जो लिबर्टी होती है, जो खुद की आज़ादी होती है, वो मनुष्य का विशिष्ट गुण होता है, याद रखिएगा।
एक इम्पोर्टेंस वर्चीज होती है इंसान के लिए आजादी। और ये इनकी जिस ये फ्रीडम के बारे में बात करते हैं उसका फ्रीडम ये बोलते हैं उसका बेस सोशल होना चाहिए, ठीक है, एक सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना, ये साफ साफ बोल रहे हैं, देखो भैया सोसाइटी और पर्सन या इंडिविजुअल के बिना सहयोग के कोई भी फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ विचार हेगल का था इनके फ्रीडम को लेकर के, इनकी जो सोच थी, इनके जो विचार थे, थॉट्स थे। आई होप बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। और इन्होंने मॉडर्न स्टेट में बोला है कि मॉडर्न स्टेट के बारे में बोला है इन्होंने, मॉडर्न स्टेट को लेकर के, कि जो सभी पर्सन हैं वो क्या हैं, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। तो आधुनिक राज में सभी मनुष्य स्वतंत्र होते हैं, ऐसा हेगल का मानना था। देखो बच्चों मैंने आज आप लोगों को शानदार तरीके से हेगल को भी कंप्लीट करवा दिया। अब हम कल अपने नए टॉपिक के साथ फिर आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिलेंगे। और जो मेरे प्यारे बच्चों आज मुझसे फर्स्ट डेट ज्वाइन कर रहे हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक कर दिया करो लेक्चर को, ठीक है, और इसको शेयर भी कर दिया करो, मैक्सिमम शेयर कर दिया करो। अगर आपको लगता है सैफ सर का लेक्चर वाकई अच्छा होता है, बहुत ही इत्मीनान के साथ सैफ सर सारी चीज़ें समझा ले जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करो। और बच्चों मेरी टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखा करो, और खासकर स्पेशल टाइमिंग का, यानी कि स्पेशल जो क्लास होती है। अभी तो मैं स्पेशल क्लास सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे ले रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं और भी दिन क्लासेस शुरू करूँगा। तो स्पेशल क्लास की टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 AM पर, ठीक है। सैटरडे संडे आता हूँ 10 से 11 और 11:30 से 12:30 तक, तो दो क्लासेस ले रहा हूँ मैं, एक दिन में दो दो क्लासेस ले रहा हूँ, यानी कि सैटरडे में 2 और संडे में 2। बाकी फिर मैं धीरे धीरे आपकी और क्लासेस लूँगा। और बच्चों याद रखिएगा लेट्स क्रैक के चैनल पर, लेट्स क्रैक NTA UGC चैनल पर, यहाँ पे मैं पेपर 1 की क्लास ले रहा हूँ। और इस समय मैं वहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मिस मत करिएगा मेरी पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की क्लास। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको वहाँ पे कवर करा दी जाएंगी सारी की सारी क्लासेस, ओके। और फिर 11 बजे आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर, और 4 बजे आपको मैं यहाँ मिलता हूँ, और स्पेशल क्लास का भी मैं आपको टाइमिंग बता चुका हूँ। बच्चों देखो एक आप लोगों को एक न्यूज़ मैं आपको फिर से एक नोटिस दे दूँ अभी, हालांकि आपको नोटिस मिल भी जाएगी, एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पर बना दिया है आप लोगों को। बच्चों देखो अगर आप में से कोई लोग चाहते हैं ना कि प्लस पर एडमिशन लेना, अगर अभी भी आपने प्लस पर अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बच्चों मैं यही कहूंगा कि फौरन आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वहां पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर दीजिएगा, यूज माई रेफरल कोड SAF10, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और स्पेशल फ्री क्लासेस देखने के लिए भी, ठीक है, स्पेशल फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और वो अनलॉक भी मेरे SAF10 रेफरल कोड की वजह से होगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा अनलॉक भी मेरे रेफरल कोड SAF10 की वजह से होगा, जिसकी वजह से आप मेरी स्पेशल क्लास को फ्री में भी देख सकते हैं, और प्लस पर भी आप हमसे पढ़ सकते हैं, या इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज मिलने वाली है आपको प्लस पर। और मैं आज फिर बता दूँ एक इंपॉर्टेंट नोटिस, और जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है वो यही है कि आज रात 12 बजे से आपकी फीस श्योर है अब हाइक हो जाएगी, 100% श्योर है फीस हाइक हो जाएगी आज। तो अभी भी आपके पास मौका है, चंद घंटे हैं आपके पास कि आप अभी भी प्लस पर एडमिशन ले सकते हो, ओके बच्चों। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना था। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश रहिए, मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करिए, और इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए जो इन अकेडमी का जो सपना है लेट्स क्रैक इट वाला गैस वो फुलफिल हो जाए। देखो ये फुलफिल तभी होगा जब आप भी मेहनत करोगे, टीचर सामने वाला एजुकेटर कितनी जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आपके सैफ सर आपको कितनी भी मेहनत से पढ़ाते हैं लेकिन आप पढ़ने के तैयार नहीं हो। ऐसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं, काफी बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज बीच बीच में आते हो जाते रहते हो ना, उससे आपको नुकसान होगा, रेगुलर क्लासेस करो, बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, ओके बच्चों। तो बस मुझे आपको आज यही कहना था, आई होप आप लोग मेरी सारी की सारी बातों को समझ रहे होंगे, और मैं हमेशा आप लोग की दुआ करता हूँ, आगे भी दुआ करूंगा, इतनी मेहनत से पढ़ो। Okay guys, thank you.